नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार नेत्र ज्योति अभियान के तहत सरकार लोगों को कर रही जागरूक। आज है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। आज सिद्ध योग में मन की सतवानी। बिहार में सूरज ने बढ़ाई तपिश। बिहार के सुधीर कुमार को सचिन तेंदुलकर ने किया फोन और मांगा पासपोर्ट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय सेना के टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए नोटिस जारी। भारतीय थल सेना के तकनीकी कोर में भर्ती दिलाने वाले टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के 138वें संस्करण को लेकर संक्षिप्त सूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी की गई सूचना के अनुसार इसके लिए आवेदन की तारीख की शुरुआत 18 अप्रैल से होने वाली है, जो कि 17 मई 2023 तक जारी रहेगी। हालांकि सेना द्वारा इस संक्षिप्त सूचना में रिक्तियों की संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। इसके लिए आवेदन शुरू होने की तिथि पर जारी होने वाली विस्तृत अधिसूचना का उम्मीदवारों का इंतजार करना होगा। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना होगा। अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री लिया होना चाहिए। बिहार नेत्र ज्योति अभियान के तहत सरकार लोगों को कर रही जागरूक। राज्य के लोगों को मोतियाबिंद से जुड़ी जानकारी और उससे जुड़े लक्षण और संकेत को बताने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार नेत्र ज्योति अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें मोतियाबिंद के संकेत एवं लक्षण मोतियाबिंद के सुझाव के बारे में बताया गया है। बता दें कि दृष्टि में धीरे धीरे कमी आना, आंखों में धुंधलापन आना, दोहरी दृष्टि चीजें मोतियाबिंद के संकेत एवं लक्षण है। वहीं इस बीमारी में आंखों में दर्द नहीं होता है। इसके साथ ही इसके सुझाव को लेकर बताया गया है कि मोतियाबिंद के अधिक पकने की प्रतीक्षा न करें और तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी अस्पतालों और गैर सरकारी संस्थानों में लेंस सहित मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे इम्तियाज अली के बारे में। इम्तियाज अली एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, अभिनेता और लेखक है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। इम्तियाज ने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र और दूरदर्शन के लिए इम्तिहान सहित टीवी कार्यक्रमों के निर्देशन से की। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की ओर रुख किया। 2005 में उन्होंने अभय देओल और आयशा टाकिया अभिनीत सोचा ना था के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। फिर उन्होंने 2007 में जब भी मिट के अपने निर्देशन के लिए महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता अर्जित की। उनकी अगली निर्देशित फिल्म 2009 में लव आजकल और 2011 में आई रॉक स्टार ने उन्हें एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बना दिया। अली ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी विंडो सीट फिल्म की स्थापना की, जिसकी पहली सीरीज हाईवे थी। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है और साथ ही कई पुरस्कारों के लिए मनोनीत भी किया जा चुका है। आज है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। आज ही के दिन 1891 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंबेडकर साहेब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था और इसे हटाने की मांग की थी। मालूम हो कि इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर, मजदूर और महिला वर्ग को सशक्त बनाना चाहते थे। यह संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जो जाति, धर्म, नस्ल या संस्कृति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अंबेडकर ने अछूतों के बुनियादी अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। साथ ही दलितों को सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति और हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करने के लिए भी आंदोलन किया था। इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंबेडकर जयंती मनाने की शुरुआत जनार्दन सदाशिव रणपीसे के द्वारा 1928 में की गई थी। यह अंबेडकर के एक प्रबल अनुयायी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। सासाराम के सिरसा मकबरे से जुड़े मामले में सुनवाई 3 सप्ताह बाद।
पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा सासाराम के ऐतिहासिक महत्व के धरोहर शेरशाह के मकबरे के आसपास बड़े तालाब में स्वच्छ और ताजा पानी आने के लिए बनाए गए नाले के बंद होने के मामले पर अधिवक्ता कन्हैया लाल भास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि कोर्ट के द्वारा इस दौरान कहा गया कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के अधिवक्ता को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों से विधार विमर्श करने का आदेश दिया गया था। मालूम हो कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 3 सप्ताह बाद पूरी की जाएगी। आज सिद्ध योग में मनेगी सतवानी। आज यानी कि 14 अप्रैल को सिद्ध योग में सतवानी मनाया जा रहा है। वहीं कल यानी कि 15 अप्रैल को जूड़ शीतल का पर्व मनाया जाएगा। मालूम हो कि इस पर्व के साथ ही पिछले एक माह से चल रहे खरमास की समाप्ति हो जाएगी। बता दें कि मान्यता के अनुसार आज के दिन सूर्यदेव की कृपा पाने और पितरों को संतुष्ट करने के लिए सत्तू, गुड़, चना, पंखा, सजल, घट, आम, ऋतु फल एवं अन्य दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आज के दिन श्रद्धालु स्नान के बाद सत्तू और गुड़ खाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के दिन सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं। इसी के साथ इस दिन से गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। मालूम हो कि आज के दिन लोग अपने घरों में आम के टिकोड़े और इमली की चटनी बनाते हैं। इसके बाद चना, जौ, गेहूं और मक्का की सत्तू मिलाकर पानी में आटे की तरह गूंद कर खाया जाता है। लोग इसके साथ अचार, चोखा और चटनी खाते हैं। इसके अलावा कई लोग नींबू, मिर्च, टमाटर, चटनी, नमक आदि मिलाकर केवल चने के सत्तू का ही सेवन करते हैं। मनीष कश्यप के सपोर्ट वाले सोनू सूद के ट्वीट पर भड़के आईपीएस सुशील कुमार। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा मनीष कश्यप के सपोर्ट में ट्वीट किया गया था। बता दें कि अब उनके द्वारा किए गए इस ट्वीट पर बिहार आर्थिक अपराध शाखा में एसपी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मालूम हो कि उन्होंने सोनू सूद की ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए अपने फेसबुक पर लिखा है कि सोनू सूद जी, देश में कानून और न्याय सर्वोपरि है। देश हित के पीछे छिपकर समर्थन करने के पहले इंतजार कर लेते। आपका ट्वीट शक और अविश्वास पैदा करता है। पुलिस पर भरोसा बेशक मत कीजिए, देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान कीजिए। मैं भी कहता हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा। आपकी ये बेचैनी और जल्दबाजी आपके एजेंडे को एक्सपोज करती है। देश में मसीहा बनने की होड़ मची है। आपको भी जनता बना देगी, व्याकुल नहीं होना है। आपका एक नागरिक हैशटैग देशहित में जारी। खेतों में लटके बिजली के तार होंगे दुरुस्त। गर्मी के दिनों में आग लगी की घटना से बचाव और बरसात से पहले की जाने वाली सभी तैयारियों को लेकर बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा राज्य के सभी विद्युत अंचल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीण इलाकों में खेतों में लटके बिजली की तार को दुरुस्त कर दें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बता दें कि दिए गए निर्देश के अनुसार डिस्कॉम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब सभी कटे हुए बिजली के तारों को बदल दिया जाएगा। वहीं वैसे ट्रांसफार्मर को भी चिन्हित किया जाएगा जहां गर्मी के कारण बिजली का लोड अधिक हो जाता है, ताकि वहां उच्च के ट्रांसफार्मर को लगाया जा सके। इसके साथ ही सभी विद्युत अंचल के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अप्रैल व मई में इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जयप्रकाश उद्यान के बारे में। जयप्रकाश उद्यान सहरसा जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह उद्यान सहरसा जिले के बीचों बीच स्थित है। यह उद्यान सहरसा जिले में मत्स्य गंधा पथ पर स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। इस पार्क में आपको चारों तरफ पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले भी लगाए गए हैं, जिसमें बच्चे काफी एंजॉय कर सकते हैं। यह पार्क सहरसा नगर निगम के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस पार्क में आपको प्रवेश के लिए टिकट लगता है। यहां पर आपको छोटा सा जलकुंड भी देखने के लिए मिलता है। यहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहां पर आपको बत्तख भी देखने के लिए मिलते हैं। पार्क के बाहर पार्किंग की भी व्यवस्था है। तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के लखीसराय का है, जहां लखीसराय के बढ़िया पुलिस को शराब तस्कर के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसपी पंकज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष बढ़िया के नेतृत्व में एक टीम बनाकर छापेमारी की गई थी। बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस के द्वारा खुटहा गांव के बुनियादी विद्यालय के पास से शराब की 17 पेटियों से भरी 2 लग्जरी 4 पहिया वाहन बरामद किया गया और साथ ही 6 तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई। मालूम हो कि गिरफ्तार किए गए तस्कर झारखंड के बड़े तस्कर में से एक है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय शराब तस्कर भागने में फरार रहे, जिन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार के
सुधीर कुमार को सचिन तेंदुलकर ने किया फोन और मांगा पासपोर्ट। 7 से 12 जून तक इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट मैच में जाने की व्यवस्था करने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले और मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर कुमार को सचिन तेंदुलकर ने फोन कर सुधीर कुमार का पासपोर्ट मांगा है। वहीं 2-3 दिन पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे सुधीर कुमार ने बताया कि वे सचिन के जन्मदिन से पहले मुंबई जाकर उन्हें अपना पासपोर्ट दे देंगे और अगर इसके बाद भारत का वेस्ट इंडीज से सीरीज हुआ तो वह सीधे इंग्लैंड से ही वेस्ट इंडीज चले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वह हर साल सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर मुंबई जाते थे लेकिन इस बार वह नहीं जा पाएंगे जिसका उन्हें बहुत दुख है। उनका कहना है कि सचिन और क्रिकेट के सिवा वह कुछ और सोच ही नहीं सकते। अब पंचायत स्तर पर भी स्थापित होंगे पुस्तकालय। अब पंचायत स्तर पर भी राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालय को खोला जाएगा। बता दें कि इसके लिए पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित करने के बाद ही आगे के कार्यवाही को किया जाना है। सरकार द्वारा इस मामले को लेकर अलग से एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। साथ ही साथ फिर से मोबाइल लाइब्रेरी की स्थापना भी की जानी है। पंचायत स्तर पर पुस्तकालय स्थापित करने वाली बात को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा समीक्षा भी की गई है जहां इस बात का निर्णय लिया गया है कि पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद सरकार द्वारा जल्द ही शुरू की जाएगी। मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग पर हुई सुनवाई। बहुचर्चित चारा घोटाला मामला में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई के द्वारा सजा बढ़ाने की गई मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की अदालत के द्वारा की गई जिन्होंने इस मामले को सुनने के बाद कहा कि इस केस को सक्षम बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला देवघर कोषागार से अवैध तरीके से पैसे की निकासी से जुड़ा है। दरअसल सीबीआई का कहना है कि इस मामले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जो सजा सुनाई गई है वह कम है इसलिए उनकी सजा की अवधि को और बढ़ाई जानी चाहिए। यही कारण था कि सीबीआई के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बिहार में सूरज ने बढ़ाई तपिश। बिहार में तपती गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। पटना समेत प्रदेश में पछुआ की मजबूत स्थिति बनी हुई है। इनके प्रभाव से पटना समेत प्रदेश के 23 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी व मध्य भागों में हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ स्थानों पर झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को अलर्ट रहने और तपती गर्मी से बचने की सलाह दी है। थानों की दयनीय स्थिति पर पटना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में पुलिस स्टेशनों की दयनीय अवस्था और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के मामले पर सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पुलिस स्टेशनों के भवनों के निर्माण व सुधार के लिए उपलब्ध फंड के संबंध में 15 दिनों में डीजीपी बिहार के समक्ष विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को मॉडल पुलिस थाने के निर्माण पर विचार करने के लिए राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से बिहार व अन्य राज्यों के मॉडल पुलिस थानों के संबंध में जानकारी दी गई। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 1 महीने बाद की जाएगी। स्कूली बच्चों को सीबीएसई सिखाएगा खादी वस्त्र तैयार करने का हुनर। स्कूलों में छात्रों के बीच स्किल विषय के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सके इसके लिए सीबीएसई के द्वारा अब स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कश्मीरी कढ़ाई और मास्क बनाना सिखाया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए कुल 33 स्किल यानी कि वोकेशनल विषय शामिल किए गए हैं जिनमें 12 से 15 घंटे पढ़ाई होंगी। बता दें कि इन विषयों में 70% प्रयोगात्मक और 30% सैद्धांतिक रूप से पढ़ाई करवाई जाएगी। वहीं एक छात्र इन 33 विषयों में से 2 विषयों को खुद के लिए चयन कर सकते हैं। मालूम हो कि इन विषयों से जुड़ी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर डाली गई है। बता दें कि इन स्किल विषयों को पढ़ने से बच्चों को नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। सीएम नीतीश के यूपीए संयोजक बनने की संभावना पर सुधाकर सिंह का बयान। इन दिनों ऐसी बातें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपीए संयोजक बनाया जा सकता है। वहीं अब इस मुद्दे पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है तो इससे बिहार को थोड़ा फायदा होगा। अगर यूपीए का नेता ही यूपीए के नेतृत्व करता है तो इसका ज्यादा असर होगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के द्वारा नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जाता है तो यह बिहार के लिए गौरव की बात होगी। जेडीयू राज्य स्तरीय बहुत छोटी पार्टी है इसलिए इसे देश को बहुत
फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सभी नेता मिलजुल कर विपक्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो सबका अपना अपना जनाधार है, सभी के अपने अस्तित्व है, तो हमें अपने प्रयास में सफलता मिल जाएगी। अमित शाह से मिलकर जीतनराम मांझी ने रखी यह मांग। बीते दिन गुरुवार को हम पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। बता दें कि इस मुलाकात के दौरान जीतनराम मांझी के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की गई है कि माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर दशरथ मांझी के समाधि स्थल गया स्थित महलौर से दिल्ली तक के लिए ट्री मैन सत्येंद्र गौतम के नेतृत्व में 5 मार्च 2023 को पदयात्रा निकाली गई थी। मालूम हो कि यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश में सड़क मार्ग से होते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची थी। योगी से सीखे नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह। राज्य में बढ़ती अपराधी घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कुछ सीखना चाहिए ताकि राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था सीखनी हो और यह महसूस करना हो कि सामान्य नागरिक कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो वह योगी जी से इस बारे में सीख सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने गुरुवार को उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। आईपीएल में आज कोलकाता बनाम हैदराबाद मुकाबला। आज आईपीएल 2023 का 19वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में पंजाब को हराया था। दूसरी तरफ कोलकाता की बात करें तो यह टीम अलग ही रंग में नजर आ रही है और फिलहाल इस टीम को रोकना असंभव लग रहा है। कोलकाता भी 3 मैच खेली है जिसमें उन्होंने 2 में जीत दर्ज की है। सिर्फ 1 मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा था। जीत के साथ दोनों टीमों के हौसले बुलंद है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में किसका मैच में पलड़ा भारी होता है। केकेआर और एसआरएच दोनों ही टीमें अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी, इसलिए कोलकाता में होने वाले मुकाबले में हमें शायद ही दोनों टीमों में कोई बदलाव दिखे। केकेआर बनाम एसआरएच हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो केकेआर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अभी तक दोनों टीमें 23 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें से 15 में केकेआर ने जीत दर्ज की है जबकि सिर्फ 8 में एसआरएच को जीत मिली है। और केकेआर अपने घर में खेल रही है तो होम एडवांटेज तो उनको मिलेगा ही। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा जिसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि फोन पर आप जियो सिनेमा ऐप पर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का 1563 में जन्म हुआ। औरंगजेब ने 1669 में दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 1891 में जन्म हुआ। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक एम विश्वेश्वरैया का 1962 में निधन हुआ। सन 1944 में मुंबई के बंदरगाह में हथियारों से भरे जहाज में विस्फोट हुआ, 1200 से अधिक मरे। भारत चौथी बार 1995 में एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बना। 2005 में भारत और अमेरिका ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे की एयरलाइनों के लिए खोलने का समझौता किया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में 2010 को आए चक्रवाती तूफान में लगभग 123 लोगों की मौत हो गई। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यान का 1963 में निधन हुआ था। आज के दिन को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती और अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि @ ऑफिशियल एसबीआई के नाम से एक फर्जी मैसेज जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अपने खाते को समाप्त होने से बचाने के लिए प्राप्तकर्ताओं से एक संदिग्ध लिंक पर अपना पैन अपडेट करें। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहे, एसबीआई कभी भी व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण मांगने वाले ईमेल एसएमएस नहीं भेजता है। अब दो स्मार्टफोन में चलाए व्हाट्सएप अकाउंट। व्हाट्सएप के हर अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के नए फीचर को एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए लाया गया है, जिसके तहत यूजर्स को एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को 2 स्मार्टफोन से लिंक करने की सुविधा दी जा रही है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले व्हाट्सएप का नया बीटा वर्जन डाउनलोड करना होगा। दूसरे डिवाइस में व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करना होगा। ओवरफ्लो मेन्यू से लिंक डिवाइस को सेलेक्ट करना होगा। प्राइमरी डिवाइस में व्हाट्सएप ओपन करना होगा। प्राइमरी डिवाइस में व्हाट्सएप पर सेटिंग पर टैप करना होगा। इसके बाद लिंक्ड डिवाइस पर टैप करना होगा। दूसरे डिवाइस पर प्राइमरी डिवाइस से QR कोड को स्कैन करना होगा। QR कोड स्कैन करने के साथ ही आप एक अकाउंट को 2 स्मार्टफोन पर चला सकेंगे। सरकार ने GST को लेकर जारी किया नया नियम।
जीएसटी को लेकर सरकार के द्वारा कारोबार करने वालों के लिए एक नया नियम जारी किया गया है। दरअसल सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि 100 करोड़ या उससे अधिक या उसके बराबर वार्षिक कारोबार वाले टैक्स पेयर्स के लिए ई चालान IRP पोर्टल पर पुराने चालान की रिपोर्टिंग पर एक समय सीमा लगाया जाएगा। मालूम हो कि यह समय सीमा 7 दिन का होगा, यानी कि अब लोगों को 7 दिनों के भीतर IPR यानी कि इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर वर्तमान तिथि पर चालान अपलोड करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा बनाई गई इस नियम को 1 मई 2023 से लागू किया जा रहा है। वही GSTN नेटवर्क के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वैसे चालान जो 7 दिनों से पुराने होंगे उन्हें रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि यह प्रतिबंध चालान पर लागू होगा और डेबिट क्रेडिट नोट्स की रिपोर्टिंग पर कोई समय प्रतिबंध नहीं होगा। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ RJD का मौन जुलूस। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर RJD के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध अघोषित आपातकाल विरोधी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें RJD के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक सहित कई नेताओं के द्वारा अपनी भागीदारी निभाई गई। बता दें कि RJD राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का कहना है कि हम लोग केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल है, यही वजह है कि हम लोगों ने जुलूस निकाला है और उसका विरोध कर रहे हैं। देश में तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लोग का यह विरोध आगे भी जारी रहेगा। मालूम हो कि जुलूस में पहुंचे लोगों के द्वारा अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर रखा गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, सन्नी सहनी, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नुनू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, योगेंद्र रजक, कुलदीप कुमार, कन्हैया कुमार, रामनवी मांझी, कविता कुमारी, मधुलता, रंजीत रंजन, गौतम राज, नौसद राजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, IPL 2023 में अब तक खेले गए मैचों में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।